11 विवेकानंद क्रिएटर काम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी कैटेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 के बारे में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी और बीबीएससी वेटनरी, इतने सारे कोर्स जो है कराए जाते हैं। तो आज के टॉपिक हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है यूपी कैटर में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं या फिर वो एग्रीकल्चर से हैं। तो इस वीडियो का आप उन लोगों को तो जरूर शेयर करें जिन्होंने इस बार इंटर का एग्जाम दिया है, बायो से हैं, मैथ से हैं या इंटर कर चुके हैं, कोई करियर नहीं है और एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपी कैट के बारे में कि यहाँ पर क्या कंडीशन है एग्जाम बैठने के लिए और कितना इसमें कट ऑफ तक जाता है, क्या इसका टारगेट होना चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, उससे हम लोग संबंधित बात करेंगे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूपी कैटेट में, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.upcatet.org। इस पर वेबसाइट पर आप बहुत सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, इसके इस बार एग्जाम करा रहा है वो आप कौन करा रहा है, सीएसए कानपुर। देखिए, इसके अंतर्गत चार यूनिवर्सिटी हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, 4। नंबर 1 पर आपका सीएसए है कानपुर, एक दूसरा नंबर पर आता आपका है एनडी फैजाबाद। ठीक है, और 3rd नंबर पर है बांदा यूनिवर्सिटी बांदा, और 4th नंबर पर आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ। तो चार यूनिवर्सिटी हैं, ये चार यूनिवर्सिटी जो है कंबाइन करके इसको एग्जाम जो है कराती हैं। इस बार एग्जाम करा रही है वो कौन करा रही है, सीएसए कानपुर। ठीक, इसके बाद अगला जो नंबर आएगा फिर वो मेरठ का आएगा, फिर आएगा इसके बाद बांदा का आएगा, फिर आएगा इसका जो है एनडी का आएगा। तो चारों यूनिवर्सिटी एक एक साल जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर एग्जाम की जो डेट है वो शुरू हो चुका है फॉर्म इसका 20 फरवरी से और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 31 मार्च तक ही है। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है वो 1250 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है और इसमें 1050 रुपये है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग जो डेट है, इसका मतलब है अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर आप और उसी कैफे पर जाकर के जो है अपना जो आपको देगा वहाँ निकाल करके एडमिट कार्ड जो है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म जो उसका डिटेल देता है उसको निकाल के आप जाएंगे तो वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कोई अगर मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस आपके जो है एज में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कुछ फॉर्म गलत भर जाता है, पीसीए का है, पीसीबी से भर दिया है, तो आप 2 से 6 अप्रैल तक वहाँ पर जाकर के इसमें मिस्टेक को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी ऑनलाइन एडिटिंग डेट हो गई। हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में, इसका जो एडमिट कार्ड है वो 1 मई से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम डेट जो है वो 14 मई 2020 है। देखिए, फॉर्म में 14, 15, 16 दिया होगा लेकिन यूजी की जो डेट है, जो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के जो कोर्स करते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर डेयरी जो यूजी करते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होते हैं, उनका एग्जाम कब है, 14 मई 2020 को, और ये प्रत्येक वर्ष 15 मई के आसपास ही एग्जाम इसका होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिजल्ट इसका जब आ जाएगा वो आ जाएगा 31 मई 2020 को। तो ये हमारा हो गया जनरल जो है फॉर्म संबंधी डिटेल। ठीक है, यूनिवर्सिटी के 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उन्होंने, 8528290271 8270। तो यहाँ पर आप डिटेल जो है बहुत सारा, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है यूनिवर्सिटी से संबंधित तो आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सारी डिटेल के बारे में, एज लिमिट की, एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस एग्जाम बैठने के लिए। तो देखिए, बात करें हम लोग एज लिमिट के लिए, देखिए यहाँ पर यूजी कोर्सेस में जो एज लिमिट है उसके लिए 2 चीज़ें हैं। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से हमारे यहाँ पर कोर्सेस हैं। तो कोर्सेस में क्या करेंगे, पहले आपका कोर्स इतना होता है बीएससी एग्रीकल्चर, और जितने भी यूजी कोर्सेज होते हैं वो कितने होते हैं, 4 ईयर, यानी 4 साल तक के कोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है, यहाँ पर कौन कौन कोर्स का ये आप ले कर सकते हैं। इसके बाद कर सकते हैं आप बीटेक एग्रीकल्चर, प्राइवेट फील्ड में बीटेक एग्रीकल्चर की बहुत मांग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं आप बीएससी फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस कर सकते हैं। इसके बाद एक आता होम साइंस, बीएससी होम साइंस मोस्टली गर्ल्स के लिए होता है, होम साइंस कर सकते हैं। ठीक है, और अभी नया एक जोड़ा गया यहाँ पर जो है फूड टेक्नोलॉजी, प्राइवेट फील्ड में फूड टेक्नोलॉजी का आजकल जो है बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी एक यहाँ पर कोर्स होता है बीबीएससी,
इसको बोलते हैं वेटनरी साइंस, वेटनरी विज्ञान। वेटनरी विज्ञान क्या होता है, जैसे जनरली जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें करीब 4.5 साल आपको लग जाते हैं, ये आपकी जो है 4 इयर्स डिग्री होती है 4.5 साल तक। तो 4.5 साल तक जो है 4 साल लगते हैं आपको इसमें, और 6 महीने होती है इसमें इंटर्नशिप, उसमें आपको पैसा मिलता है। और ये केवल कोर्सेस है वो केवल बायो वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ओनली बायो स्टूडेंट्स। इसलिए बायो स्टूडेंट्स को फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई और आपको वेटनरी मिल गया, जो वेटनरी एक बहुत अच्छा कोर्स होता है, जो वेटनरी कोर्स होता है वो एमबीबीएस के ऊपर होता है। जो एमबीबीएस होते हैं वो ह्यूमंस के डॉक्टर होते हैं, और ये जो होते हैं पशुओं के डॉक्टर होते हैं। अगर आप ये कहीं पा जाते हैं और जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट, तो आपको पशु चिकित्सा अधिकारी बनाया जाता है अस्पताल जो होते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी बच्चे जानते भी नहीं कि ये वेटनरी कोर्स कहाँ से होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैसे वाला ही हो जो वेटनरी कोर्स करके डॉक्टर बन सकता है, कोई गरीब भी है तो। क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ, मैं सोचता था कि बड़े अधिकारी होते हैं वो केवल जो है पैसे वाले लोग बन पाते हैं, ठीक है। जब एज निकल गई पता चला नहीं, उसको एग्जाम कोई भी दे सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो वेटनरी जो साइंस होती है वो केवल जो है पीसी स्टूडेंट के लिए होती है, तो वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये हमारे हो गए इसमें कोर्सेज के बारे में, ठीक। अब लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर एज क्या होनी चाहिए। ये कोर्स डिटेल हमने इसलिए आपको दिया है क्योंकि इसमें जो वेटनरी वाले जो स्टूडेंट्स बैठते हैं उसके लिए एज लिमिट है, यानी एज लिमिट सबसे बड़ा फैक्टर यही है, उम्र संबंधी चीज। तो यहाँ पर अगर हम लोग बीबीएससी करना चाहते हैं, बीबीएससी यानी वेटनरी साइंस, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज होती है वो 17 से लेकर के 25 साल तक। अगर आप कोई बीएबीएससी कहीं से कर भी लिए हैं, ठीक है, बायोस ग्रुप से हैं, और आप कोई करियर नहीं मिल रहा और आप वेटनरी साइंस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 25 के अंतर्गत आते हैं तो आ ही सकते हैं, 25 तक मोस्ट लोग एमएससी तक कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी फॉर्म मेरे ऐसे आ चुके हैं अभी तक जो बीएससी करने के बावजूद आए और वो अपना करियर क्षेत्र बना के आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर चुके हैं करियर बनाने को कुछ भी करना पड़े। अगर आपको लगता है वेटनरी साइंस में डॉक्टर बनना है तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर के बन सकते हैं, ठीक। तो अब आते हैं यूज अदर कोर्स के लिए, जो अदर स्किल कोर्सेस हैं, यानी अदर कोर्सेस हैं हमारे जो एग्रीकल्चर संबंधित अदर कोर्सेस, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या है, उसमें मिनिमम एज है वो 16 से लेकर के और 22 साल तक है, 22 ईयर तक अदर कोर्सेस। अदर कोर्सेस मतलब जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो कोर्सेस में कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, 16 से लेकर के 22 साल तक, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ पेपर। देखिए ग्रुप ऑफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ पेपर। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्टूडेंट्स वही पार्टिसिपेट करेंगे जो यूपी के हैं। जैसे बिहार स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टेट है तो वो अपना एग्जाम इसमें यहाँ एग्जाम नहीं दे सकते हैं। हर एक स्टेट का एग्जाम होता है, अपने स्टेट से एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का हो जाता है। पेपर स्टेट का होता है, बहुत ईजी आता है, उसमें पीसीएम पीसीबी ही पूछा जाता है, उसमें अटेम्प्ट कोई ऑप्शन नहीं आता है। काफी लोग ऐसा करते हैं सिंपल सा, इसके हम का फिजिक्स मैथ छोड़ के एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं है। मोस्टली इतने स्टेट एग्जाम होते हैं इंडिया में, कोई भी हो, चाहे एमपी पैट हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जहां तक मुझे जानकारी है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात करता रहा हूं। तो स्टेट परीक्षाओं में मोस्टली जो आपका सब्जेक्ट है पीसीएम से पीसीएम ही आएगा, पीसीबी तो पीसीबी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कोई ऑप्शन का ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप के बारे में, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेपर, ग्रुप ऑफ पेपर। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर कोड दिया गया है। जैसे अगर आप पीसीबी से हैं तो इसका कोड है 01, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेपर। पीसीबी पीसीएम से है तो 02, अगर आप इसके बाद पीएजी से यानी एग्रीकल्चर से, इसका 03 है। एक बात, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर गलती क्या होती है। बच्चा अगर पीसीबी का है, बोलता है हमको एग्रीकल्चर का फॉर्म भरना है, अब वो कैपी पर जाता है तो कैपी पर क्या करता है, एग्रीकल्चर भरना है तो इसको 03 भर देता है। और आपने वहां पर 03 भर दिया पीसीबी के हैं, तो आपके एग्जामिनेशन हाल में पीएजी का ही पेपर मिलेगा, तो एक साल आपको चली जाएगी। ऐसे कई स्टूडेंट मेरे यहाँ आए हैं अभी तक जो है, मैंने डिटेल अगर नहीं दी उनको, क्लास में रेगुलर नहीं रहते हैं वो लोग, क्लास गैप कर दिया, मैंने बता दिया ये ग्रुप कंडीशन है भरने के लिए, और वो पीसीबी से हैं भर दिया एग्रीकल्चर के लिए, तो उनका एक साल पूरा चला जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो लोग ये फॉर्म भर रहे हैं, इसमें इतनी डिटेल है कि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, एडिटिंग का मौका ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक।
क्योंकि यूनिवर्सिटी नंबर जो होते हैं बहुत सारे व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे बच्चे से बैठते हैं, 40-50 हज़ार बच्चा बैठता है, और उसमें अगर 5 हज़ार बच्चा अगर मिस्टेक होता है वो लाइन लगी रहती है और वहाँ पर आपको कॉल नहीं लग पाता और वो आप 1 साल वेट कर लेते हैं। तो मिस्टेक कोशिश करें मिस्टेक ना करें, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर पीसीबी से दिया आपने तो पीसीबी से ही भरेंगे और फॉर्म पीसी एग्जाम पीसीबी से ही देंगे, क्योंकि हम जो पेपर में भरते हैं जो भी ग्रुप है आपका हमारा काउंसलिंग में वही कागज चेक किए जाएंगे। ठीक, अगर आप पीसी में पीसीएम से हैं तो आप भी देखिए तीनों लोग बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तीनों लोग बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, ऐसा नहीं यही कर सकते एग्रीकल्चर पीसीएम नहीं कर सकता, पीसीएम भी कर सकता है, ये तीनों लोग बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेयरी साइंस फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके जो पीसीबी वाला स्टूडेंट्स है ये केवल ये भी कोर्स कर सकता है मतलब, और बीबीएससी कर सकता है, लेकिन बीबीएससी अदर कोर्सेज ये लोग बीबीएससी नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से हैं, पीसीएम से हैं, ये लोग वेटरनरी साइंस का कोर्स 4.5 साल का नहीं कर सकते हैं, ये एक रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, तो पीसीएम से उसका कोर्स 0-2 है, अगर आप पीसीएम बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते बोले हमें एग्रीकल्चर करनी है और पीसीएम से हैं तो हमारा कोर्स 0-2 रहेगा, अगर एग्रीकल्चर से हैं तो उनका कोर्स ये रहेगा। ठीक, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके कितने नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए इस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 200, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की संख्या कितनी आती है, तो टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें 200। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, हमने बताया जब भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है वहां पर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर माइनस करता है, और जहां पर 1/4 होती है एक क्वेश्चन गलत होने पर 5 नंबर माइनस किए जाएंगे, ये ध्यान रहे एक क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक, अभी बताते हैं इसका और डिटेल क्या है। तो यहां पर 200 क्वेश्चन में कितना कितना आता है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑब्लिक बायो लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ या बायो आपके फिजिक्स में क्वेश्चन आता है 50, केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है इसमें 50, और मैथ ग्रुप या बायो ग्रुप का है तो उसके क्वेश्चन आते हैं 80। ठीक, 20 क्वेश्चन यहाँ पर और पूछता है जीएस जीके। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 200, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। फिजिक्स केमिस्ट्री 80 क्वेश्चन आपके मैथ आते हैं, 80 क्वेश्चन आपकी बायो आती है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है उसका सिलेबस दूसरा है, उसके यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 25-25 क्वेश्चन आते हैं, उसके बायो आती है 50 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी आती है 60 क्वेश्चन, फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और अदर कोर्सेज जो है 25-25 क्वेश्चन आते हैं, तो उनका सिलेबस जो है दूसरा है। ठीक है, और इनका देखिए सिलेबस ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आता है ये आप क्या पढ़ें इसके लिए केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ें और जो भी आपके इंटरनल सिलेबस है आप वही पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, अब देखिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कितना क्वेश्चन आप करना चाहिए। 200 क्वेश्चन में से अगर आपके 1/10 प्लस क्वेश्चन करेक्ट 100% लेवल तक गलत नहीं होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब ये पता है कितना है, मान लीजिए 100 या 310 तो ये कितना होगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो कितना हो जाएगा ये 330 नंबर, तो 330 नंबर अगर नंबर मार्क्स हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेकिन जो पीसीबी का स्टूडेंट्स है वेटरनरी साइंस अगर लेना चाहता है उसके लिए 150 के अंदर ही रैंक होनी चाहिए, मतलब 150 के अंदर रैंक हो तभी आपका बीबीएससी मिलेगा। ठीक, वेटरनरी साइंस तो वहाँ सीटें संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है कि नंबर ऑफ सीट कितनी है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे आपका मिनिमम आपका इतना है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठते हैं और सीएसएफ पेपर बनाता है वो थोड़ा सा अच्छा बनाता है तो आधे से ज़्यादा बच्चे एग्रीकल्चर के भी जाते हैं और बायो वाले बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन टारगेट आधे से अधिक होना चाहिए। अब आपने मान लीजिएगा इतना क्वेश्चन किया और ये बिल्कुल करेक्ट हुआ तो इतना हो जाएगा, अगर इसमें से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन माइनस हो गए तो एक क्वेश्चन कितना है आपका काटेगा 4 नंबर, तो ये माइनस नंबर हो जाएंगे 20। अब देखिए 330 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर प्लस में 310, एक नंबर कटने से कम आपका एक क्वेश्चन करने से 10 रैंक अंदर होता है और अगर 30 नंबर आप यहाँ पर कम हो गए कम से कम 300 रैंक आपकी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो आपके जो है जो नंबर मिनिमम है हम बता दिए हैं 110 से लेकर के आपको टारगेट रखना है 130 क्वेश्चन तक का मिनिमम, तब आपका सिलेक्शन जो है होगा। ठीक है, तो 130 आप करेंगे तब भी 2-4-5 क्वेश्चन आप गलत हो ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप गलती से भर जाते हैं उसमें,
ठीक है। हालांकि इसका पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। पेपर मोड कैसा होगा इसका, ऑफलाइन होता है, ठीक। तो हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बारे में बात हो गई और आपके सिलेबस के बारे में बात हो गई। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, काफी मुझे कॉल करते हैं कि आप क्लास कहाँ चलता है इसका जो है, तो आपको जानकारी दे देते हैं। हमारे यहाँ जो भी है इसके बैचे चलते हैं वो एक साल में दो बार चलते हैं। एनुअल बैच चलता है आपका जुलाई में, जुलाई में। इसमें क्या होता है आपका यूपी कैटेट अदर अगर कोर्सेस हैं जैसे बीएचयू है, आईसीआर है, तो उसका चलता है बैच यहाँ पर, ठीक है। यूपी कैटेट, बीएचयू और आईसीआर, ये मतलब मोस्टली जो एग्जाम जो होते हैं उनका सिलेबस लगभग एक ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर काफी स्टैंडर्ड आता है आईसीआर का, बीएचयू का आसान आता है और बीएचयू मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, इसमें कोई जीके आती है, इसके अगर बहुत ही इजी आता है। तो हम लोग इन पेपर को जो है एग्जाम कॉमन तैयारी कराते हैं। एक बैच होता है स्टार्ट जुलाई में, दूसरा बैच होता है मार्च के फर्स्ट वीक में। अब ऐसा फर्स्ट वीक हम लोग क्यों बोले हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देते हैं तो उनका 1 मार्च 2 मार्च हर साल पेपर खत्म हो जाता है, तो पेपर खत्म होने के चौथे दिन ही हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करनी है इसके लिए, ठीक है, तो आप लगभग 2.5 से 3 महीने में आपको सिलेबस लगभग हम 80% सिलेबस पढ़ा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ का दोनों सिलेबस पढ़ाना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है कोई 2.5-3 महीने में पूरा कोर्स पढ़ा दे। अगर ऐसे बोलता भी है कोई भी कि हम करा देते हैं पूरा कोर्स, वो झूठ बोलता है, हम खुद नहीं करा पाते, ठीक है। जब एक दिन में 6-8 घंटा पढ़ाएंगे तब आपको लगभग 80% सिलेबस, वो भी जो मेन चैप्टर है जहाँ से पूछते हैं उसको कम्प्लीट करा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है इसमें फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ दोनों सिलेबस आता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ा है तो आपको बैच कवर कर सकता है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप एनुअल बैच ज्वाइन करिए और क्रैश बैच में मत पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो हमारा कोई लालच नहीं है आपसे जो है कि आप जो है आएंगे तो पढ़ेंगे ये होगा, वैसा कुछ नहीं है। आप अपना फायदा देखिएगा, आपका फायदा कहाँ पर हो रहा है। अगर आपने पहले से पढ़ा है थोड़ा बहुत भी और आप पढ़ लेते हैं 80%, तो आपका होता है कि एक साल बच जाता है, मान लो सिलेक्शन अगर हो गया, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कुछ का हो जाता है, किसी का नहीं होता, एनुअल बैच फिर ज्वाइन करते हैं। तो एक बच हमारा हो गया जुलाई में, दूसरा बच हमारा होता है मार्च में। अगर आपको डिटेल लेना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोचिंग संस्थान का नंबर है, इस पर आप डिटेल पूछ सकते हैं कब बैच शुरू हो रहा है, क्या है। तो ये हमारा आज सारा जानकारी हो गया है यूपी कैडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 के बारे में। कुछ भी अगर इसमें छूटता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में यूपी कैडेट में कितनी टोटल सीटें हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो भी, ठीक है। तब तक इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।